पोनाला लक्ष्मैया पीसीसी के साबिक सदर ने एक प्रेस मीट मुनाकिद करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि केसीआर ने टीआरएस प्लेनरी इजलास में झूठ बोला है। टीआरएस की प्लेनरी सिर्फ हुजूराबाद इंतखाबात के लिए मुनाकिद हुई थी। केसीआर का ये बयान कि आपाश प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं खुला झूठ है। देखिए पोनाला लक्ष्मैया का मजीद क्या कहना है। आपसे बात करने का मौका ले रहा हूं। ये मौके पे केसीआर बिफोर इलेक्शंस और मैनिफेस्टो इसके बारे में मैं नहीं और 7.5 साल गवर्नेंस में सरकार में केसीआर क्या क्या नया नया स्कीम्स लाया है, नया प्रॉमिसेस क्या किया, उसके बारे में मैं नहीं क्यों, बिकॉज ऐसे चीज़ों में बात करके चैलेंज करके बहुत टाइम हो गया, कोई जवाब ही नहीं आया। ये धोखेबाजी है, ड्रामाबाजी है, ये रियलिस्टिक बोलो। कल उनका 20 साल का टीआरएस पार्टी का ये हो गया प्लेनर, उसमें भी बात किया, हर जगह बात करता है। मैं वन शुरू से लास्ट तक मैं देखा सुना, मगर इसमें भी लोगों को झूठ बोल रहे, इसके वास्ते झूठे वाले बोल रहे। यहाँ भी ड्रामा कर दिया। क्या है वो इरिगेशन पाइप कंप्लीट करा बोला, क्या है देवाद्रा कंप्लीट करा, उन्हें मुंह से बोला देवाद्रा ना, महबूबनगर में प्रांस कंप्लीट किया बोलता, 12 लाख एकड़ को पानी दे रहा हूँ बोल के बोलता है, शर्म होना। आके देखते, किसी को बेच के दिखाते, आप भी जाके देख लीजिए कहाँ है। 215 फरवरी बजट सेशन में तेलंगाना में जलयज्ञ में जो प्रोजेक्ट ले लिए हैं उसमें 8.5 हज़ार करोड़ खर्च करे तो 34.5 लाख एकर्स को पानी दे सकते हैं। क्या है इतने साल में आपके चीफ मिनिस्टर के समय में यह हुआ क्या? एक एकड़ का नया एकड़ को पानी दिए क्या आप? इतने हजारों करोड़ खर्च किए, सो इसके वास्ते झूठे बोल। और उसके बाद क्या बोल रहा, आईटी में वो बहुत बड़ा बहुत कर दिया बोले, ये सुनने में बहुत अच्छा रहता। क्या है आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आईटी में नया कंपनीज कितने आए, नया एम्प्लॉयमेंट कितने आए, नए कंपनी से नया एम्प्लॉयमेंट। हम 2004 में 4,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स था, हम 2014 तक 57,000 और 55,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करें, 13 टाइम्स बढ़ गया। अभी ये 7 साल में 2.5 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है 2.5 टाइम्स से बढ़ता है, वो एक्सपेंशन करते रहते, मगर नए कंपनीज कितने आए, नए। मीठे के बगैर खुशियां तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियां बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हां, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश, नंबर वन क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर। जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।